मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है और बहुत ठंड पड़ चुकी है, अगर ऐसी ही बारिश रही तो शाम तक बारिश होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल मानला उत्तराखंड। आज हम 3 जनवरी 2021 में चोपड़ा धाम पहुंचे हैं। देखिए कुदरत नज़ारा, उधर बारिश हो रही है, उधर बादल लगे, ठंड बहुत बढ़ गई है, बढ़िया मौसम हो रहा है। और आज हम ये बलोनी जी से मिले, इनकी दुकान है चोपड़ा खाल में, तो इनसे हमने सामान लिया। इनकी दुकान के रेट अच्छे हैं और रिजनेबल रेट प्राइस है और कोऑपरेटिव है, मिलनसार है। और बलोनी जी, आप चोपड़ा खाल में मार्केट के बारे में थोड़ा आज का होटल के बारे में और हिमालय जी बारे में बताओ। नदी से लो आवाज़ आएगी, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, वरना तो क्लाइमेट से उससे एडवर्सली है, बहुत ही बेस्ट है यहाँ पे, है कि नहीं। आप आइए, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे अच्छे ढंग से, यहाँ पे ये इधर दीवाना होती है, भगवती मंदिर, भगवती मंदिर ऊपर है यहाँ पे, बहुत यहाँ पर अभी खड़े हैं चौकिया खाल। और ये हमारे बंदरियाल जी हैं, बंदुनी जी हैं, बंदुनी जी, इनकी दुकान है यहाँ पे। थोड़ा सा आप दिखाइए दुकान, दिखाई इनकी दुकान है और बहुत बढ़िया है। अभी हम इनसे सामान लिया, इधर दिखाओ सामान लिया, और बढ़िया फसलास, इनका बेटा भी अच्छा है, त्यौहार भी अच्छा है। हम तो सभी गाई लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आइए चोपड़ा खाल, अभी देखना लायक सीन है। अभी बारिश का है, हमको 2 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और क्या मस्त नज़ारे, प्रकृति का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। रहने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है और रोड भी यहाँ पर पक्का तक है। मात्र केवल कोटद्वार से 92 किलोमीटर पर ये चोपड़ा खाल पड़ता है। अगर आप चोपड़ा खाल में आते हैं, किसी चीज़ की आपको कोई दिक्कत होती है, होटल नहीं मिलता, तो हमारे बंदी से मिलिए यहाँ पर, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। बता दें, ओके मैम, आएंगे हम यहाँ हिमालय भी देखने के लिए। प्लेट चम्मच है, प्लेट चम्मच दे दो। चोपड़ा खाल के मार्केट में खड़े हैं और मौसम ने करवट बदल ली है और आज हम यहाँ कैंपिंग करेंगे। अब खाना बनाएंगे मैगी, उसका व्यू दिखाएंगे हम जंगल के बीच में। अब बारिश हो गया, मौसम ने यार सब नुकसान ही कर दिया।